हेलो मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर, और यूट्यूब के नीचे भी आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर फाउंडेशन के लिए कुछ स्टडी प्लान बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना बता दें यार, अपने पास कोई नॉलेज है तो सबको दो। सबसे पहले बताने के पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग हर रैंकर्स ने हमारे यहाँ फॉलो किया है। आपको पता है मैं आइकन अकेडमी में पढ़ाता हूँ, और हमारे यहाँ 4 साल में 36 रैंकर्स हैं, जो इंक्लूड करता है रैंक 2 से लेके सारे रैंक्स। फिर मैं किसी पहली क्लास में ही पढ़ाता था, वहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट थी जो AIR 1 भी लगाई थी। तो हम डिस्कस करते हैं कि रैंक का पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, कम्युनिकेशन 25 मार्क, एनवायरनमेंट 40 मार्क, एंटरप्रेन्योरशिप 25 मार्क, मैनेजमेंट 40 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए कि सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, उनको अपन अलग कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स है 80 मार्क का, लॉ है 60 मार्क का, उसके बाद अकाउंट्स है 70 मार्क का। तीन सब्जेक्ट्स हो गए अपने, मतलब अपने को बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी फोकस करना है, पर सबसे ज़्यादा अपने को कहाँ पे फोकस करना है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भाई सिंपल सी चीज़ है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सॉरी थर्सडे फ्राइडे सेट थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये टोटल दिन है अपने पास। तो कैसे अपने को पढ़ना है, 70 80 60, पहले मैं ये बताऊंगा कि इसको अपन कैसे क्लियर कर सकते हैं। बच्चों बहुत सिंपल तरीका है, मंडे और ट्यूसडे पूरा दिन सिर्फ क्या पढ़ने का है, अकाउंट्स पूरा दिन। उसके बाद आता है वेंसडे। अच्छा बच्चों, मैं पूरा दिन बोलूँ तो आप पूछेंगे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो इसमें मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई करता था 6 to 9, ये पहला आपका पार्ट रहेगा। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 to 1, उसके बाद मस्त खाना खाने का, सो जाने का, आपकी क्लासेस वगैरह तो वो कर लेने की। उसके बाद आखिरी जो पैच रहेगा, जो आखिरी पैच रहेगा वो रहेगा 4 to 8, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना है। 3 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे, 3 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे और 4 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे। इसमें से आधे पौन घंटे का चीटिंग किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना स्टडी करना है अपने को। उसके बाद वेंसडे, वेंसडे होगा अपना पूरा दिन बच्चों, पूरा दिन अपने को इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब सेम स्लॉट में अपने को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लॉ है, लॉ अपना 60 मार्क का है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए ब्रेड एंड बटर है, 60 मार्क का ही है। तो आपको अब क्या दिन कौन सा बच गए, 2 दिन बचे, अभी अपने पास 3 दिन बचे हैं, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो अपन इसमें से 1 दिन ही देंगे लॉ को, थर्सडे, तो ये 3 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपने को पूरा लॉ पढ़ना है, लेकिन लॉ में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसमें थर्सडे के साथ क्या कीजिए, फ्राइडे का यहाँ तक 1 बजे तक ऐड कर लीजिए, फ्राइडे को 1 बजे तक, ठीक। उसके बाद चलिए, ये हो गया अपना, थर्सडे भी हो गया, तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, अपना 4 दिन का अपन ने स्केड्यूल निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास दिन कौन से बचते हैं, फ्राइडे और सैटरडे, 2 दिन बचते हैं। संडे क्या करना है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो अब मैनेजमेंट सॉरी कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन में तो उतना ज़्यादा है नहीं पढ़ने का, मतलब ठीक ठाक ही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, फ्राइडे सुबह 6 to 9 अपन क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन। उसके बाद एनवायरनमेंट भी हम कब पढ़ेंगे, फ्राइडे को 10 to 1। एंटरप्रेन्योरशिप भी अपन कब पढ़ेंगे, फ्राइडे को, अपना शाम का टाइम है 4 to 7, 3 घंटे बस अपने को यहाँ पे 3 घंटे पढ़ना है, क्योंकि फ्राइडे का जो 1 घंटा अपने पास बचेगा, फ्राइडे का 7 to 8, इसमें अपन एथिक्स पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अब अपने पास दिन कौन सा बच गया, अब अपने पास बचा है सैटरडे। तो अपने पास मैनेजमेंट है मॉर्निंग का 6 to 9 और 10 to 1, किसका, सैटरडे का। अपने को क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट, मतलब अपने कितने घंटे हो गए यहाँ पे, 3 घंटे, और यहाँ पे हो गए 3 घंटे, 6 घंटे अपने हो गए। अब अपने पास कितना बच गया, अब यहाँ पे स्टेट्स है अपने पास। तो अब स्टेट्स में अपने को क्या करना है, स्टेट्स में अपने को क्या करना है, अब अपने पास टाइम कहाँ पर बचा है, अब अपने को टाइम बचा हुआ है फ्राइडे 6 से 9, ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया, मतलब अपना फ्राइडे का पूरा दिन चला गया। अब अपने पास बचता है सैटरडे, और अपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट बचते हैं 2, ऑडिट और अपना स्टेट्स। तो बहुत सिंपल है, 6 to 9 सैटरडे क्या पढ़ेंगे अपन, ऑडिट, ये थियोरी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है।
स्टेट्स 10 टू 1 कौन सा डे सैटरडे, तो ये सैटरडे को क्या हो गया अपना स्टेट्स हो गया। अब अपने पास सैटरडे को एक स्लॉट और बाकी है, कौन सा अपना सॉरी 10 टू 1 ये हो गया अपना और 6 टू 9 ये हो गया, तो अपने पास एक स्लॉट अपन ने बचाया था याद है आपको 4 टू 8 अपने पास 8 घंटे का 4 घंटे का यहाँ स्लॉट है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं ऑडिट फिर से लेके आएंगे 4 टू 6 और स्टेट सिर्फ एक घंटे बोल तो 6 टू 7 बस 7 बजे सैटरडे को फ्री, कुछ नहीं करने का है बस खुश रहने का है कि लाइफ अच्छी है, सीएस कर रहा हूँ मैं, इतना बेहतरीन कोर्स कर रहा हूँ बस, और कुछ सिर्फ पॉजिटिव सोचने का सैटरडे की नाइट से, सिर्फ पॉजिटिव सोचने का। अब बच गया संडे, संडे को दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, बिलीव करना है कि आई एम बेस्ट, मैंने दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स चुना है, मैं सीएस करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, सपने देखने हैं आपको संडे को, कोई भी कार आपके सामने जाए ना बीएमडब्ल्यू जाए तो आपको बोलना है कि भाई ये बीएमडब्ल्यू मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लेके रहूँगा, सीएस की डिग्री से मैं सब कुछ करूँगा, सब हासिल करूँगा। बच्चों जब मैं आपकी एज का था तो मैं भी सपने देखता था और सारे सपने साकार हुए, उल्टा भगवान ने बहुत ज़्यादा दिया, तो बस मैं आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा, सपने देखना बंद मत कीजिए, संडे का दिन जो है वो अपने सिर्फ सपनों के नाम पे रखिए। और हम लोग बहुत अच्छी लाइन में हैं, तो जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए, ये कोर्स आपके सारे सपने पूरे करेगा दोस्तों। लव यू सो मच, ध्यान रखिएगा और ये स्केड्यूल एकदम अच्छे से फॉलो करना है, रैंक गारंटीड, मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है मेरा।